हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों और एक नई वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा जियो फोन के दो जो हिडन फीचर्स के बारे में। तो गाइस, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो क्या होगा वो दो हिडन फीचर्स, वीडियो में पूरा कंप्लीट बने रहे, आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। सो बिना टाइम गवाए आज के जो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, बहुत सारा ऐप देखने को मिलता है। लेकिन क्या होगा अगर मान लीजिए आप लोगों को माई जियो ऐप हमेशा ज़रूरत होता है सामने, लेकिन आप लोगों को नीचे चले आना होता है। उसके बाद आप लोगों को दो तीन पेज नीचे चले आते हैं, उसके बाद जो है माई जियो आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन क्या होगा अगर आप लोग मैं यहाँ पर सामने ही उसको लेकर आऊँ तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर सामने में ले आकर दिखाऊँगा कि आप लोग किस तरीके से उसे ला सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, माई जियो में जाना है और यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन। तो आप लोग रेड वाले के बटन के ऊपर जियो का बटन देखेगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मूव। तो मूव में क्लिक करने के बाद अभी जो है आप लोग क्या करना है, ऊपर चले जाना है जहाँ पर आप लोगों को ये रखना है। तो मुझे इसे फ्रंट में रखना है, फ्रंट में लाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सेट कर देना है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं सेट करने के बाद ये फ्रंट में आ चुका है। तो मैं इसे अभी बैक करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं माई जियो ऐप यहाँ पर बीच में आ चुका है ऊपर में। तो इसी तरह से अगर आप लोग फेसबुक को मूव करना चाहते हैं, मतलब दूसरे जगह में रखना चाहते हैं, दूसरे जगह नीचे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं अभी जो है ये आप लोगों को यहाँ पर फेसबुक देखने को मिलेगा। तो ये जो हिडन ट्रिक है आप लोगों को में से किस किस को पता है नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर नहीं पता है वो भी बताना नीचे कॉमेंट करके। तो ये जो फीचर्स है बहुत ही यूनिक है जियो फोन में। ये जो फीचर्स है आप लोगों को कैसा मतलब बहुत ही यूनिक लगा कि नहीं लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरा जो ट्रिक है आप लोगों को बताता हूँ कि अगर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अगर आप लोग इसे मतलब सीरियल बाई सीरियल देखना चाहते हैं तो भी आप लोग वो कर सकते हैं। तो कैसे, ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिस्ट व्यू, जैसे ही लिस्ट व्यू में क्लिक करेंगे गाइस आप लोग देख सकते हैं ये लिस्ट में आ चुका है। तो गाइस, अभी आप लोग बैक करके दिखाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स देखने को मिलता था, मतलब एक लेकर दो तीन चार ऐसे करके, लेकिन अब जो ये लिस्ट में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं अपने जियो फोन में। और यहाँ पर भी अगर आप लोग कोई एप्लीकेशन को अगर मूव करना चाहते हैं, मतलब सामने लाना चाहते हैं फ्रंट में एकदम ऊपर, तो भी वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लॉक, मान लीजिए ये आप लोगों को हमेशा सुबह सुबह ज़रूरत होता है मतलब अलार्म देने के लिए, तो इसे आप लोग फ्रंट में लेना चाहते हैं तो इसे ऑप्शन में क्लिक कीजिए, फिर से आप लोगों को मूव में क्लिक करना है। मूव में क्लिक करने के बाद आप जहाँ पर भी रखना चाहते हैं वहाँ पर आइए, आने के बाद यहाँ पर सेट कर दीजिए। तो ये जो आपको जो है फ्रंट में आ जाएगा, मतलब सामने आ जाएगा। तो ये दो हिडन फीचर्स आप लोगों को कैसा लगा, मतलब अच्छा लगा कि नहीं लगा? अगर अच्छा लगा है ये दो हिडन फीचर्स तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर देना गाइस। और इसी तरह का अगर लेटेस्ट वीडियो आप लोग रोजाना चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपको अगर मतलब कोई इंटरेस्ट है किस वीडियो मतलब किस फोन मतलब जानना है किसके बारे में, जियो फोन के बारे में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपका सवाल का जो आंसर हो वो जो है वीडियो में बनाकर दे दूंगा। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मैं मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।